हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय डेली न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका डेली न्यू ब्लॉग पे। अभी सुबह का 7:30 हो गया, अभी सोनिका भी उठी नहीं रही है। सोनिका अभी यहाँ पर अभी दिख रहे सो रही है। तो मैं भी अभी जस्ट उठ के ना आया हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी ब्रेकफास्ट आज आलू परोठा है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है आलू परोठा। चलो गाइस, अभी यहाँ करते हैं, सोनिका को देखते हैं कितनी देर में उठ जाती है, अभी देखते हैं। अभी के लिए यहाँ पर थोड़ा ऐसे बैठ जाते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट खाते हैं। ब्रेकफास्ट में आलू परोठा मुझे बहुत पसंद है। ये गाइस, अभी यहाँ पर थोड़ा दही ना, क्या क्या बोला, दही निकालता हूँ, दही इसमें, आज दही नहीं, आज आलू परोठा है ना, इसीलिए दही खाना पड़ेगा। वाह, दही तो बहुत अच्छा हुआ आज तो यार। तो दही अच्छे बनने के लिए ना, दही आपको एक बार बताता हूँ, दही तो जब दही एक जो कॉलेज ही पढ़ती है ना, उसको बहुत अच्छा बोला जाता है वो दही को। ये देखो दही, आज आलू परोठा के साथ दही बहुत अच्छा होता है ना, इसीलिए मैं भी इतना चलेगा क्या, चलो इतना चलेगा, इतना कहाँ रख दूँ, कर्ची उठ लिया दूँ, कर्ची इधर रख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए कर्ची थोड़ी देर इधर रख रहा हूँ। अभी दही डाल दिया, चलो दे दो, यहाँ पर हो गया परोठा रेडी, अभी जाके खाते हैं ये और ये दही। चलो गाइस, यहाँ पर फटाफट अपना आलू परोठा और दही खाते हैं। दोबारा दही को कर लिया, लिटरली अभी तक मैंने 3 परोठा खाया, 3 है ना, मैंने 3 खाया, 4 खाया, तीन खाया का, तो और एक खाना है, मतलब 4 हो जाएगा आज। लिटरली मैंने इतना ज़्यादा खाया, खाता तो मैं 5-6 भी खाता था, लेकिन ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं होता है। तो आज मैं 4 परोठा देता हूँ, हो गया। तो दे अभी आपको दिखा देता हूँ यार, हम कैसे डाल देते हैं ये आलू परोठा इस तरह से। देखो भाई, देखो, वाह क्या ही बताऊँ, मतलब तो तावा से सीधा निकल कर आपने प्लेट से सीधा आपने पेट में। जो गरम गरम खाते हैं ना, गरम गरम खाने का मज़ा ही अलग है। चलो गरम बहुत है, हाँ बहुत अच्छा है, हमारा है ना तावा भी बहुत अच्छा है, अच्छी टाइप का, मतलब परोठा बनाने जैसे टाइप की है तावा, तो वो बोल दी कि तावा अच्छा है। तावा अच्छे होने से भी क्या होता है, कोई चीज़ ना जैसे अच्छा हो जाती है, जैसे जिसका सामान अच्छा होता है बनाने के लिए, तो क्या होता है खाना भी अच्छा बन जाती है। चलो गाइस, मैं खाता हूँ, बहुत गर्मी हो गया, फिर लगाता हूँ। लिटरली खाते खाते पता भी नहीं चला कि मैंने 5 परोठा खाया, इतने जल्दी पता भी नहीं चला। सोनिका अभी तक उठी नहीं रही है गाइस, अभी देखो सोनिका ऐसे सो रही है। तो सोनिका स्टाइल देखो, तो अभी अपने काम पे जाता हूँ, तो एक्चुअल टाइम भी होने वाला है अभी जल्दी जल्दी फटाफट, तो चलो चलते हैं अपने काम में और मिलते हैं आपको आउट। गुड आफ्टरनून, अभी का टाइम हो गया 3:10 आ चुके, तो अभी मेरा टाइम हो गया खाने का। अभी यहाँ पर क्या, ओ माय गॉड, सुनिए कल बाहर उसे पार्क में खेल रही थी तो थोड़ा गिर गई थी, तो इसीलिए खाने का मन नहीं कर रहा है इसका, कुछ इतना नहीं खा ही नहीं रहे। चलो अरे अरे हाथ लगा, इसमें लगा बोलता हूँ, हाथ लगाती हो, आपका हाथ में गंदा है ना, जाओ हाथ धो के आप फेंडर छोड़ के आओ, जाओ हाथ में लगाना बोलता हूँ मैं, कितनी प्यार से बोला था, तो समझती नहीं है, तो हाथ कोई लगा देगा, गलत बात है। देखो ना भाई, मैं कितना सोनिया बोला,
छोटी छोटी चीज़ में गाली करनी पड़ती है बच्चों को, क्या ही बताऊँ। तो मैंने ऐसे ऐसे नहीं डाटा हो कि अभी है और मान जाएगी ना, अच्छा होता है, थोड़ा गुस्सा जैसा टाइप का दिखाना पड़ता है ताकि मान, नहीं तो मानते ही नहीं है बच्चे, क्या ही बताऊँ। तो चलो अभी यहाँ पर फटाफट लगाते हैं, अभी यहाँ पर खाना रेडी हो गया। हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी का टाइम 9 बज गए। तो मैं यहाँ पर अपने टाइम पर थोड़ा वॉकिंग करने आया हूँ। अभी थोड़ा शाम के टाइम में वॉकिंग करने का थोड़ा मज़े अलग होता है। तो पूरा अभी देख सक रहा हो चुका है रात की, अभी तो रात तो कौन सा बड़ी बात होती है ना, तो रात कौन सा बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर मैं निकल पड़ा हूँ, तो आपने 5-6 किलोमीटर बता रहा हूँ। तो 5-6 किलोमीटर तो मैं यहाँ पर डेली दौड़ने की कोशिश करूँगा, देखते हैं कितना होता है। कभी कभी मन करता है, कभी नहीं, वो अपना अपना मन हो जाती है। और तो चलो कितने देर तक हो सकते हैं मैं भी देखता हूँ। तो 5 किलोमीटर तो 100% पूरा करूँगा। अब यहाँ पर थोड़ी देर ऐसे चल के, मतलब क्या बोलते हैं, वार्म अप करते ख़त्म होने कर दूँगा। ये आज यार पता नहीं वीडियो या रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो रही है। भाग भाई भाग भाग भाग, कैमरा ले लो पकड़ भाई, यूट्यूबर का जिंदगी में क्या भाई, हर जगह कैमरा ले लो भागो, हर जगह कैमरा पकड़ते भागना पड़ता है। इसने अभी इतना सारा निकल गए, उफ क्या ही बताऊँ यार। रात की मौसम हो रही है, कोई भी वो नहीं रही, दौड़ नहीं रही, मैं ही यहाँ पर अकेला दौड़ रहा हूँ। और बाकी थोड़ा बहुत लोग अपनी गाड़ी में चल रहे, तो मैं भी यहाँ कर लेता हूँ, फिर दौड़ते। पसीना भी दबा के निकल गई, अब तो 4 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। अब लोग 1 किलोमीटर करने के बाद बचा हुआ है, जैसे 1 किलोमीटर ख़त्म होता है उसके बाद निकलनी है, तो ख़त्म हो जाएगी हाथ रनिंग है। 5 किलोमीटर तो करना ही पड़ेगा, 5 किलोमीटर तो किसी भी हालत में करनी है, किसी भी हालत में 5 किलोमीटर। चलो फिर दौड़ता हूँ। इसका 5 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, अब जाकर मैं बैठूँगा अपने रूम में, जाकर मैं एक्सरसाइज करूँगा फटाफट। चलते 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, 5 किलोमीटर से 200-300 मीटर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं। तो हम यहाँ पर जहाँ दौड़ते हैं, एक्चुअली मैंने यहाँ पर क्या किया, जब रनिंग करते स्टेप ट्रैकर होता है वो स्टेप लगाया, इसीलिए वहाँ पर 5 किलोमीटर दिखा रहा था। तो 5 किलोमीटर से ज़्यादा, तो अब जाकर ख़त्म हो गए। चलो अभी जाकर रूम में एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ वहीं से करते हैं। चलो डिनर करते हैं, उसके बाद जाकर नहाना पड़ेगा पहले। तो चलो फिर हो आ गया, आ गया। अब जाकर अपने रूम में आया गाइस। अब यहाँ पर आपने रूम में एक्सरसाइज होगा, बाहर ठीक हो नहीं, कोरोना की वजह से किसी को दे भी नहीं रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर एक्सरसाइज मैं एकदम ऐसा फटाफट कर लेता हूँ, उसके बाद नहा लेता हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुके है, तो ऑलरेडी लेट हो चुके, तो चलो यहाँ पर मैं पहले एक्सरसाइज करके नहाता हूँ। सो हे गाइस, अभी मैं सारा अपना एक्सरसाइज करके ख़त्म कर लिया, तो अभी थोड़ा बहुत भाई का भी इतना बॉडी तो नहीं बन रहा, थोड़ा बहुत बन रहा है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा रनिंग कर रहा हूँ, अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पर बॉडी भी घटने वाला है, थोड़ा इतना वो भी नहीं हो रहा है। तो अभी इतना पसीना देख रहे हो, कितना सारा पसीना निकल चुका है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ही पसीना निकल चुका है, इतना ज़्यादा पसीना निकल चुका है। कपड़े में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर नहाता हूँ, डिनर तो रेडी हो चुका है,
तो फटाफट नहाते हैं और उसके बाद डिनर करते हैं। आपको एक टिप्स देता हूँ, कभी भी आप फटाफट ऐसे ही करते हो जैसे कि एक्सरसाइज करके आते एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, तुरंत नहाते हो ना, आपका बहुत जल्दी बॉडी में इफेक्ट करेगा, ये चीज़ कभी मत करना। आराम से थोड़ी देर बैठ के अपना थोड़ा पसीना वो कर लो, कम करो, उसके बाद कर लो। तो इसी तरह से आप कर सकते हो, नहीं तो आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक ठाक ना, थोड़ा बहुत फैन के, डायरेक्ट फैन के नीचे भी मत बैठो और थोड़ा साइड साइड में बैठ के कर लो ना। फिर जब बताते मानती नहीं, उसके बाद मैं डांटता हूँ ना आपको, प्यार से बताता हूँ तो प्यार से मत आइए। तो गाइज अभी यहाँ पर हमें नया नहीं, थोड़ी देर इधर बैठा। तो यहाँ पर सोनिका ने डिनर कर चुकी है, तो वहाँ पर मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। तो नाया नहीं, फटाफट नहाते हैं और उसके बाद करते हैं, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा अभी। ये क्या लगा रहे सोनिका मेरे ऊपर? हैंगी रुमाल उधर रखो, अभी मत करो ना। चलो चलो गाइस, यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर, थोड़ी देर बैठता हूँ, पसीना थोड़ा सुखा लेता हूँ। सो गाइस, अभी बज गए रात के 10:00, लिटरली 5 मिनट जा चुका है। अब यहाँ पर मेरा तब डिनर करने का टाइम होता है, और देखते हो डिनर में आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर डिनर रेडी है, थोड़ा सलाद है, सब्जी है, रोटी है। 10:05 में डिनर रात के ऐसे हो जाती है। तो थोड़ा फिर सुबह लेट ही हो जाते हैं ना, तो इसीलिए तो हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, खाने खाते खाते इतने होते करते हैं। अब मैं सोते सोते तो 12 ही बज जाएगा, एडिटिंग करो उसका सारा चीज़ करो, और अपलोड तो सुबह के टाइम में करता हूँ ज़्यादातर। मैं अभी एडिटिंग करके सोता हूँ, क्योंकि फिर सुबह है ना, तो थोड़ा आलसी लगती उठने, तो इसीलिए सुबह के टाइम में मैं क्या करता हूँ, एडिटिंग बस अपलोड कर देता हूँ। सो गाइस, अभी यहाँ पर मेरा वीडियो एडिटिंग स्टार्ट होने वाला है। अभी मैं यहाँ पर अपने मोबाइल में ज़्यादातर पावर डायरेक्टर पे करता हूँ, तो वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। अभी टाइम हो गया 11:05 बचा हुआ है, तो फटाफट अपना वीडियो एडिटिंग करते हैं। मैंने बोला अब 12 बज जाएगा, 1 घंटे तक लग जाएगा वीडियो एडिटिंग करते करते, 12 बजे सो जाता हूँ और कल सुबह उठते आराम में। तो सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ऑल पर सेट कर लो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम्स।